Oh boy. Ready? Go. 14 भाई बोल रहे हैं मुझे भी उतरने के लिए, लेकिन हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैंने डिसाइड नहीं किया है कहीं घूमने जाने का या कुछ भी, क्योंकि अचानक से प्लान हो जाता है ना। फिलहाल हम जाते हैं शॉप के लिए, फिर वहीं पे जाके डिसाइड करते हैं कि आज कहाँ जाए घूमने के लिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस बिना देरी के करते हैं शुरू। गाइस फाइनली पहुंचा मैं शॉप पे। अभी भी सादात भाई फोन कर रहे थे, आज हम जाएंगे छतर गांव, वहां पे ना नेचुरल स्विमिंग पूल है और उसी में सादात भाई को नहाने जाना है। लेकिन मुझे नहीं पता कहां से नौगांव साइड से हमको जाना है, लेकिन ये नहीं पता श्रीनगर में है कि बड़गाम साइड से, वो देखते हैं जाके। ठीक है फिलहाल निकलते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं हेलमेट माउंट लगाऊंगा जो कि मैंने पिछली बार लाया था ना। उससे क्या होगा ना, अगर मुझे रास्ते में वीडियो उठाना पड़ा तो इजिली वीडियो उठेगा और सेफ भी रहेगा, है ना। ये रहा हेलमेट, उसको आगे से वो माउंट लगाएंगे, ठीक है, फिर आराम से रास्ते में वीडियो भी उठा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए पहले लगाएंगे हेलमेट माउंट, उसके बाद निकलते हैं डायरेक्ट छतरगांव के लिए। तो जी गाइस ये रहा अपना हेलमेट माउंट जो कि मैंने बहुत पहले लाया था, लेकिन मैंने ना खाली एक बार ये यूज़ किया है। आज हम करेंगे मोटो व्लॉगिंग, ठीक है, ट्राई करेंगे कैसा उठेगा, साथ में आपसे भी शेयर करेंगे। ये देखिए ये रहा हेलमेट माउंट, एक्शन प्रो का आता है, पता नहीं 300-350 रुपये का लाया था मैंने, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो आज करेंगे, पहले लगाते हैं हेलमेट माउंट। ओके गाइज फाइनली हेलमेट माउंट लग चुका है, अब बस ऊपर से स्टैंड लगाना है और ये जो बोल्ट है यहाँ से ऐसे फिक्स करना है इसको, ये देखिए ऐसे। बहुत ही मुश्किल है सच में ये हेलमेट माउंट भी जोड़ना, पिछली बार मैंने वीडियो देखा था उसी पे थोड़ा सा सीखा था मैंने, इस बार मैंने वीडियो नहीं देखा, आराम से आ गया मुझे। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि ये बैलेट है ना, ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है, इसको ध्यान से रखना पड़ता है इसलिए ताकि फोन ना गिर जाए, ठीक है। ये वाला जो माउंट है ना अंदर के साइड ही रखा, अगर फोन गिरेगा भी ना तो थोड़ा सा सेफ ही रहेगा। बाहर से ना 100% चांसेस है फोन गिरने के, मतलब अगर फोन गिरेगा तो सीधे नीचे गिरेगा ना, यहाँ से थोड़े से चांसेस है कि अंदर की तरफ गिरे, इसलिए मैंने अंदर की तरफ ही रखा ये। यहाँ पे आप आराम से ऐसे फोन रख सकते हैं, तो आराम से आप मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। परसों ना मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी जब मैं पहाड़ों पर गया था ना, उस टाइम प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो उठाने के लिए, हाथ से उठाना पड़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा सेफ्टी फर्स्ट, पहले यही लगाते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो जी गाइस फाइनली हो चुका हूँ मैं रेडी और हेलमेट भी हो चुका है रेडी। मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ इसका व्यू कैसा आएगा, मोटो व्लॉगिंग भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे जाना है सादात भाई के घर, क्योंकि आज ना सादात भाई अपनी बाइक नहीं ला रहे, मेरी बाइक पे ही जाएंगे स्प्लेंडर पे। ओके तो चले फिर निकलते हैं सादात भाई को लेने के लिए, उसके बाद डायरेक्ट छतरगांव के लिए। ओके गाइस लगा के कैसे दिखता है ये। जी गाइस अभी सरोद भाई के घर के बाहर हो रहा है वेट, जब तक सरोद भाई नहीं आते ना तब तक मैं लगाता हूँ फोन हेलमेट माउंट में। ओके किस में देखा, वीडियो में देखा? सही है ब्रो, चलो मेरे को ना यहाँ से भी थोड़ा सा विजन आ रहा है। ओके ओके अच्छा अब कहाँ जाना है हमको? हम आज जाएंगे, आज गर्मी है ना बहुत ज्यादा। वो नहीं बोलना फिल्मी अंदाज में, लैला मजनू के पहाड़ पे। सीधे बोला कहाँ जाना है हमको। सरद भाई ने मुझे यहाँ पे आधा घंटा वेट करवाया, पहले खाना शाना खा के आराम से। अब कहाँ जाना है? अब हम जाएंगे आज क्या बोलते हैं इसको, छतरगांव। हाँ वहाँ पर नहरी है। नहरी, नहरी क्या हुआ? नहरी मतलब खेत में पानी जाता है ना। हाँ तो उसको हम नहरी कहते हैं। अच्छा उस उधर क्या करना है, खेती करनी है वहाँ पे। चलो जी गाइस निकलते हैं छतरगांव के लिए, फिर वहीं पे देखते हैं क्या सीन रहेगा। ओके तो जी गाइस फाइनली निकले हम छतरगांव के लिए, अभी ना मैं फोन माउंट से वीडियो उठा रहा हूँ, ये देखे कैसा व्यू आ रहा है, अल्ट्रा वाइड रखा मैंने। ओके ये देखिए, और यहाँ से देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी हम पहुँचे नटीपुरा चौक में, आज मैं ट्राई करूँगा मोटो व्लॉगिंग करने के लिए, पता नहीं कैसा उठेगा, वॉइस कैसी आएगी, क्योंकि माइक नहीं है ना मेरे पास, इसीलिए फिलहाल चलते हैं। हमको आगे से कहाँ से जाना है सदर भाई? ओ भाई सब कैसे चल रहा है ब्रो, हमको जाना है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ओके। तो गाइस ये निकले हम नटीपुरा के साइड से, नटीपुरा का जो दरगाह है ना सामने आस्थान, वहीं से जाना है हमको, नौगांव साइड ना। ओके गाइस ये देखिए थोड़ा सा भी पेट्रोल नहीं है बाइक में, अब यहीं पे एक पेट्रोल पंप है, मेरे को ना याद ही नहीं रहा था पहले डालेंगे पेट्रोल। ये देखिए ये रहा पेट्रोल पंप,
भाई सादात भाई बोल रहे आज पेट्रोल नहीं आज डीजल डालेंगे क्योंकि पेट्रोल महंगा है। क्या डीजल डाले ट्राई करे हाँ बाइक में डीजल हाँ पहली बार भाई साहब देखेंगे क्या सीन रहेगा जो कुछ भी होगा आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। गाइस पेट्रोल तो डाल लिया मैंने ये देखिए फुल टैंक ही ना खाली थी थोड़ा सा ही चढ़ चुका है इसमें और आज ना बहुत ही ज्यादा गर्मी है बहुत ही ज्यादा क्यों सादात भाई बहुत ही ज्यादा गर्मी है ना। आज मैंने हाफ स्लीव लगाई आज मैंने जैकेट ये सब घर पे रखा मैं जैकेट लगाता था इसलिए क्योंकि वो डस्ट वस्ट होता था ना इसीलिए लेकिन आज मैंने बोला भाई धूल मिट्टी को रखो साइड में आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है वहां से बाकी आप व्यू देख लो कैसा आ रहा है हेलमेट माउंट में ये देखिए राइट लेफ्ट अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आर्मी एरिया है लाला सीधे देख लो ये देखो लेफ्ट नीचे ऊपर की तरफ ये देखो ऐसा व्यू आ रहा है कुछ सेम ना गोप्रो की तरह उसको वाइड एंगल ज़्यादा होता है और बाकी गोप्रो तो मैंने अभी तक चलाया नहीं है कभी जब आएगा मेरे पास गोप्रो उसके बाद आपको दिखाता हूँ अभी मुझे खुद नहीं पता कि कैसी क्या वॉइस आ रही है क्योंकि माइक नहीं है ना मेरे पास अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ आज एडजस्ट कर लेना जब तक मैं अपना वीडियो ना देख लूँ कौन कौन सी गलती है अगर कोई गलती हुई होगी ना मोटो व्लॉगिंग करने में तो हाँ एक तो माफ़ करना और प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या गलती हो रही है ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। कल नागाम हाईवे से ना हम कनीपुरा के साइड से आ रहे हैं अभी यहाँ से कनीपुरा जाने का रास्ता लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से जाना है सादात भाई जहाँ से बोल रहे हैं ना वहीं से मैं जा रहा हूँ। आज हमने ना शॉर्टकट किया हमने दूसरे साइड से निकले अच्छा, यहाँ से ट्रैफिक कम रहता है यहाँ से शॉर्टकट है हाँ। सही है देखते हैं कहाँ पहुँचाएगा सादात भाई बस ट्रैफिक जाम का नाम लो ट्रैफिक हाजिर ट्रैफिक हाजिर नजर लगती है ना आपकी आप जो बोलते हैं ट्रैफिक नहीं है नहीं बोलूंगा उसी टाइम ट्रैफिक होता है सही है ये देखिए गाइस ऊपर से रेलवे ट्रैक जाता है ये देखिए यहाँ से सादात भाई मुझे ले रहे हैं यहाँ से सच में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है केनहमा के साइड अभी हम जा रहे हैं देखते हैं आगे कहाँ पहुँचते हैं क्योंकि अभी ना ही सादात भाई को कन्फर्म है और आपको कन्फर्म है मेरा कन्फर्म नहीं है कि आगे जाके कहाँ पहुँचेंगे ठीक है क्योंकि इसने पूरा ना हमको घुमा के लाया हमको जाना था हाईवे के साइड मतलब नागाम साइड से हमको वापस ही जाना था तो शॉर्टकट ही किया यहाँ से लेकिन गाइज एक चीज़ है ना यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी हमको महसूस नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ से पेड़ पौधे ज़्यादा है ना हवा चल रही है यहाँ से बहुत ही मस्त जगह है यहाँ से देखिए यहाँ से खेत और यहाँ से पेड़ तो जी गाइज कुछ टाइम चलने के बाद फाइनली पहुँचे हम मेन रोड पे अब यहाँ से हमको सीधे जाना है यहाँ से हमको सीधे जाना है बराबर 3 किलोमीटर। अच्छा इस जगह का क्या नाम है इस जगह का नाम है डांगरपुरा डांगरपुरा जी ये देखिए क्या लिखा है DANGERPOR मुझे लगा यहाँ का नाम है डेंजरपुरा यहाँ पे ना बोर्ड पे ये लिखा है DANGER डेंजरपुरा नहीं आधे बोर्ड ना सही है डांगरपुरा लिखा है लेकिन आधों ने लिखा है डेंजरपुरा। तो गाइस फाइनली पहुंचे हम छतरगाम यहाँ से अब कितना किलोमीटर है यहाँ से सादात भाई अब आधा किलोमीटर चलना है मतलब बाइक पे चल रहे हैं ना हाँ बाइक पे चल रहे हैं सही है तो यहाँ से अभी आधा किलोमीटर है छतरगाम जहाँ पे सादात भाई को नहाना है ना अभी आधा किलोमीटर लगेगा हमको नहाने में तो जी गाइस फाइनली पहुंचे हम छतरगाम ये देखे यहाँ से नहाते लोग ठीक है कहाँ से यहाँ से पहले यहाँ पे हम बाइक रखेंगे उसके बाद जाएंगे हाँ फाइनली पहुंचे हम वहाँ पे ना मेन रोड पे जगह ही नहीं थी अब मैंने अपनी बाइक यहाँ पे रखी यहाँ से थोड़ा सा रास्ता था अब यहीं पे रखी मैंने अपनी बाइक सादात भाई बोल रहे वहाँ पे सब भागेंगे क्योंकि हम व्लॉगिंग करते हैं ना वहाँ पे सब कपड़े निकाल के नहा रहे हैं ना इसीलिए देखते हैं वहाँ पे क्या सीन रहेगा अगर दिया वीडियो उठाना तो उठाएंगे वरना खाली सादात भाई का वीडियो उठाएंगे ओके ये गाइस उस पार नहाते लड़के इतना बहुत सारे लोग अभी कपड़े निकाल के नहा रहे हैं इसी वजह से उनका वीडियो नहीं उठा सकते ठीक है ये देखिए ये वाला पानी आता है यहाँ से मतलब इसी में नहाते हैं ये रोड क्रॉस करके ये देखिए गाइस कितना मस्त पानी है यहाँ पे बिल्कुल साफ पानी और वहाँ से देखिए पूरा जंगल टाइप है उधर से ये पानी आ रहा है जहाँ से ये रिवर क्रॉस होता है फिर वहाँ पे देखिए वहाँ पे ये लोग नहा रहे हैं उस साइड से पता नहीं वहाँ पे वीडियो उठा पाएंगे या नहीं अगर उठा पाए तो ठीक वरना देखते क्या सीन रहेगा ठीक है इसी पानी में नहाते वहाँ पे लोग चलिए जी गाइज हम भी उस पार जाते हैं देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या सीन है साथ में आपको भी बताते हैं अगर वीडियो उठा पाए तो ठीक वरना देखते हैं ये देखे गाइज यहाँ पे नहाते लोग ये देखे ओ भाई साहब यहाँ पे ना नीचे से सीमेंट करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा गहरा भी नहीं है यहाँ पे ये देखिए
ये देखिए, ओ भाई साहब, भाई मेरे को ना इतनी स्विमिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन पानी ज़्यादा गहरा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नहा सकता हूँ बिल्कुल सेफ है ना, नीचे से सीमेंट करके इसको। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी सादत भाई सोच रहे कि स्विमिंग करे या नहीं, देखते हैं क्या सीन रहेगा। अली के उस साइड से देखो गाइस, यहाँ से भी नहा रहे हैं। ओ भाई चला मुंह दायो ए घर सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। ओ सजन रे पास तो आना ना, कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना। ओ तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। वादे दिए कितने वादे दिए, तेरी आदत आए रात रात, तेरी आदत आए रात रात। वादे दिए कितने वादे दिए, तेरी आदत आए रात रात, तेरी आदत आए रात रात। सब साथ में आप जंप देंगे। ओ बॉय गो। भाई साहब एक ना यहाँ पे स्लिप हो गई। इस मेरे को बिना बहुत ही मन है नहाने का, लेकिन ना मेरे को ना स्विमिंग ही नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ। एक ज़्यादा गहरा भी नहीं है, नीचे से सिमट करके इसको, खाली इतना गहरा है ये। ये देखिए गाइस, ये आप फ्लिप मारने वाले हैं। आपका क्या नाम है? उजैर। उजैर यहीं पर रहते हो? मारो फ्लिप, मैं भी देखता हूँ। मारो। देखिए गाइस, उजैर भाई की फ्लिप। ये चेक करिए गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो जी गाइस ये तो था छतर गाम। अब सदात भाई भी बोल रहे हैं मुझे नहाना है। क्यों नहाना है? मेरे को देखो पसीना उतर गया। उतरो ना फिर। पसीना उतारो इसी में। आप ना मेरा ये शॉट लेना, ठीक है? ठीक है, मैं लूंगा शॉट। मैं आपको थोड़ा सा स्विमिंग भी। आप उतरो ना पहले, मैं फिर देखता हूँ क्या सीन रहेगा। ठीक है, उतरो आप। मोरो जब निकालो कपड़े, चलो मैं वीडियो उठा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, सदात भाई निकाल रहे कपड़े। जुबैर भाई नहीं मान रहा, लेकिन मैंने मैं नहीं मान रहा, मैं डर रहा हूँ, मैं सच कहूँगा ना। आप उतरो। चलिए जी देखते हैं। हाँ सादत भाई नहीं मान रहे, ये बोल रहे मुझे भी उतरने के लिए। यार इसको बोलो कुछ, चलो कपड़े निकालो मेरा पहले। चल भाग चले कहीं यार,